ठीक है, सिद्धांत अर्थों की विशेषताएं के बारे में। ठीक, देखिए गौतम बुद्ध के धर्म की विशेषताएं या धार्मिक विचार। एक, इनके गौतम बुद्ध के धर्म में ठीक है तमाम राजा रानी और हर वंश के ठीक शासन काल इनके धर्म की विशेषता बताया, विचार अपना दिया कि हमारा धर्म ये बड़ा सुंदर है। एक, तो इस धर्म में सभी राजा एवं रानी और जितने भी वंश के शासक थे सभी लोगों ने इनके विचार को देखा और समझाया कि भाई बौद्ध धर्म क्या है। ठीक, और उसके बाद इन्होंने कहा हमारे धर्म में आपको एक समान चलना पड़ेगा, मतलब किसी से आप तुनभुन नहीं करेंगे, ठीक, सबको मिलाकर चलेंगे। ठीक, तो इन्होंने बताया कि मेरा एक चार नियम है, उस नियम पर आप तर गए मतलब रुक गए आप तो समझो आप एकदम बौद्ध ज्ञानी हो गए बेटा, आप एकदम बौद्ध ज्ञानी हो गए, नहीं तो भी होने वाले आप नहीं है। तो इनके चार क्या बातें थी, देखो इनके चार बातें थी, देखा बेटा पहला आपका था दुख बेटा, दूसरा था दुख प्रति शोध, तीसरा था महायोग, चौथा था कहाँ, चार है ना। देखिए चार बातें इन्होंने क्या बात सुन लो आप लोग। देखिए इन्होंने कहा इस संसार में अगर जो व्यक्ति जीने आया है ठीक है मर जाता है तो कहां दुखी होता है, इनका कहने का मतलब था संसार में व्यक्ति जन्म लिया है तो उसको मरना ही है, उसको तो मरना ही है, और वह क्या दुखी होता है, किस लिए दुख का कारण क्या था बेटा, तिसड़ा छुरा भूख, दुख का होता है छुरा कि अगर पैसा गया तो दो किसान रोटी खाकर आगे बढ़ जाएंगे, इनका पहला बात था कि संसार में दुख का कारण क्या है बेटा, छुरा। बोले संसार दुख का क्या है, छुरा भूख, व्यक्ति भूख लगती है व्यक्ति भाई किसका भाई पैसा और फट से खा लो करता है ना, उसका मुंह कर जाता है, बारो खोजता है कहां मेरे पैसा पर से ले ले हम पसंद जाता है बेटा। उसके बाद फिर दुख परिशोध, मतलब कि संसार में एक मिनट आपके दुख को नहीं समझेंगे, अपने दुख को पहले बताएंगे, पहले बताते हैं ठीक। देखिए क्या बोलूं,
जितने भी वंश के शासक थे सभी इनकी विशेषताएं बताए थे, ठीक, कि भाई इस धर्म में हमें क्या क्या मिला, हमें कैसे रहना है और इनकी बातों कैसे समझना देता, ठीक। और इनकी चार बातें थी, पहला आपका था संसार दुख का कारण क्या है, क्षुधा भूख, ठीक। दूसरा बोले कि संसार में आपके दुख को कोई नहीं मिलता, भाई हमारा पहले दुख सुन लीजिए, कहते हैं ना अगर अपनी बात आप बोलते कहते नहीं नहीं हमारी पहले बात सुन लीजिए, आपकी बात रोक नहीं अपनी बात कह दिए, उसे भूल जाता है व्यक्ति, कहता है ना कि बड़ा हम दुखमय है, कहते हम किससे अपने दुख पीड़ा कहते जाए, कहता व्यक्ति हम अपने दुख की पीड़ा किससे कहें, आपसे कहें कि उनसे कहें, किससे कहें, वो समझाता है, लेकिन व्यक्ति अपने दुख को पहले बता देता है कि बड़ा दुखीमय है भाई जीवन, बड़ा कष्टमय है, का करे जिए कि मर जाए, वो व्यक्ति कह रहे हैं ऐसे मत करो भाई, आपके दुख को हर व्यक्ति समझता है, ठीक। उसके बाद आता है दुख महायोग, तो संसार में देखिए पहले आप दुख महायोग, मतलब कि योग में होता बेटा बयान, एक महा मैंने महान, महान योग करते हैं ना, तो कहते हैं कि संसार में सभी दुखी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, किसी को बेटा दुख ज्यादा होता है, व्यक्ति एकदम अपने मन में रखकर बातें बताता नहीं है ना, और उससे कोई घटना घटती है तो बताता है नहीं बताता है, वो अपने मन में दबा कर रखता है, कहा बताए उनसे, कहा मैं दुख भाग दूंगी, यही नहीं कहता है, बताता नहीं है, लेकिन अपने दुख को अंदर रखे रहता है, बताता नहीं है तो उसे क्या करना क्या नहीं करना है, और वो अपने संसार में बस होता कि हम ही दुखी हैं और तो सब सुखी हैं, उसका मन की भावना सोचता है कि बस हम ही दुखी हैं और सब सुखी हैं, उसका मन की भावना होती है। उसके बाद फिर कहते हैं कि संसार में दुख को टालने वाला भी कोई नहीं है, संसार में दुख को टालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है, असत्य बात है, अगर आपको दुख आए कहीं व्यक्ति आपको दुख दूर कर देगा नहीं कर देगा, उसको आपको झेलना है, कैसे आपको आगे लेकर चलना है, तो वही उनकी प्रक्रिया चार बातें बताई गई थी, ठीक, कि हमें कैसे आगे चलना है, क्योंकि बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि गौतम बुद्ध हिंदू थे बेटा, वह हिंदू सनातन धर्म वाले थे लेकिन वह बौद्ध धर्म अपना लिए, ठीक, भाई शुद्धोदय के लड़के थे, महामाई की माता जी थी, प्रजापति गौतम मौसी थी उनकी, जन्म के 7-8 महीने बाद के तो मर गए, तो उनकी मौसी अपना अस्त्र पान क्रम को पान कोष का बड़ा किया, गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए, 18 से शादी हो गए बेटा, उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में बिना बताए पत्नी से घर को छोड़ दिए, भिक्षा लिए, सफेद अपना पीला कपड़ा लिए, ओढ़े अपना साधु ऐसा सन्यासी रूप लिए निकल गए, लगे सबसे भीख मांगा अपना वचन सुनाने सबसे, 29 वर्ष की अवस्था में सोचो 18 शादी हुआ 29 निकल गए घर छोड़कर, बालक भी उन्होंने देखा, उन्हें सत्य का ज्ञान होने वाला था इसलिए वो निकल गए, रुके नहीं, और अपने बारे से वह किस तरह बताए थे, ठीक, इसीलिए इनके हम चार बातें हमेशा याद करते हैं कि हमें कैसे बोलकर कैसे हमें आगे चलना है। और आपसे कोई बोलते भाई इनकी चार बातें क्या थी, जैसे बहुत धन जब वहां गए थे आप लोग तो चार बात लिखा गया था, ठीक, जब हम अंदर हले पहले आप जब मुझे सफी थी जो बगल ब्राह्मी लिपि लिखा गया था वहां पे एक चार बात लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में, उसे पढ़ नहीं पाते थे, वह आपका ऐसे था तो दो ऐसे था फिर इधर बनकर फिर ऐसे था, सब पढ़ नहीं पाते थे, बस कहते भाई क्या चीज लिखा हुआ बताते थे हम, बस क्या लिखा ये कहते थे ना, वो ब्राह्मी भाषा लिखा गया था, लिपि भाषा, जो व्यक्ति समझ जाए बहुत धर्म वाला होता है वह समझा देता है। तो कहते कि दुख मतलब संसार दुख का क्या है, क्षुधा भूख है। दूसरा आपका है दुख परिशोभता, संसार में आपके दुख को कोई अपने सामने पहले बता देता है, आप पहले बताते हैं कि भाई हमको दुख है, बता देता है आपका बात छोड़ देता है। उसके बाद दुख महायोग, संसार में सभी दुखी व्यक्ति एक समान नहीं है, सबको भाई छोटा बड़ा दुख सबको मिला हुआ है,
एक ऐसा बात नहीं कोई व्यक्ति सुखी है संसार में, सभी दुखी है, कोई शिक्षा से लेकर दुखी है तो कोई धर्म से लेकर दुखी है, ठीक है, हर बात से लेकर दुखी है। उसके बाद दुख पथ पदा, संसार दुख को टालने वाला भी कोई नहीं है। तो भगवान हमारा दुख टाल दीजिए, क्या टाल देते हैं? नहीं, बल्कि आपको दुख हुआ मिसाल सोचते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बाबा बताता रहता है, ठीक। उसके बाद अब हम आते हैं उनके अष्टांगी मार्ग, आठ मार्ग किए गए थे चलने का रास्ता, हमें कैसे कैसे चलना है, इन्हें कि भाई बिना बताए से घर में घुस जाए हम, ठीक। आठ मार्ग बनाया था, कैसे कैसे चलना है, ठीक, उसको लोग देखते हैं, ठीक। ये समझ आए ना, बताना। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि बौद्ध धर्म की विशेषता या धार्मिक विचार बताइए आप, तो बता देना कि इस धर्म में सभी राजा राजी और जितने भी वंश के शासक थे सभी इनके धर्म को माने, तो वे सत्य पाड़े थे बेटा। और वह गोत्र नक्षत्र पैदा हुए को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, वह गोत्र नक्षत्र में पैदा हुए गौतम बुद्ध भी कहा जाता है बेटा। और उनकी शादी 18 वर्ष टाइम हो गया, कलिकर के राजा के पुत्री राजकुमारी सुंदरी यशोधरा से हुआ था, एक पुत्र था राहुल, ठीक। और 29 वर्ष अवस्था में घर द्वार छोड़कर गृह त्याग दिए, निकल गए अपने सत्य की खोज में, कहे क्या क्या करना है। और उसके बाद फिर आप लोग चार बातें बताए अपने शिष्यों को कि संसार में दुख का कारण छुदा होता है, देखो दुखी कब होता है, इसके अंदर कुछ खाने चेष्टा हो जाती है तब दुखी होता है। अगर आपके पास पैसा तो कई बार आप खुशी है, कहते हैं बड़ा खुशी समाज हम, दुख मतलब कि संसार में आपके दुख को कोई व्यक्ति पहले बता देता है कि हाँ बड़ा व्यक्ति दुखी है, उसके दुख पर अपने बद्दू बता देता है, अपने सुनेगा पहले अपना सुना देगा कि मेरा सुन लीजिए, भूल गए आप कि आप नहीं बोल पाते हैं ना, भाई मेरे बात को दबा दिया आप, यही कहेंगे। दुख मायोग संसार में सभी दुखी व्यक्ति समान नहीं होते, सबको दुख पीड़ा हमेशा सताता रहता बेटा। उसके बाद दुख पदपदा, मतलब संसार में दुख को टालने वाला कोई भी नहीं है, जिसको मिला दुख उसको भाई भोग कर हुआ जाना ही है, चाहे व्यक्ति आज पैदा हुआ कल मर गया तो दुख है नहीं, तो दुख कहां उठा रहे भाई, संसार में क्यों आए हो, उनका कहने मतलब था अगर व्यक्ति आज पैदा हुआ है कल मर गया तो एक ही दिन जिया, तो वो तो 100 साल जिया, कहते हैं 100 साल जिया व्यक्ति 96 साल जिया, आज पैदा हुआ कल मर गया दो दिन जिया, तो व्यक्ति की सोच, ठीक। इसलिए वह अपने चार बातों को बताकर आगे बढ़ते थे और आठ मार्ग बताए थे बेटा, अष्टांगिक मार्ग से कहते हैं आठ मार्ग सही रास्ता, ठीक है, उसे देखते हैं। बोलो बेटा जी, दुख पर सुख पर सब पर करते थे, जो व्यक्ति पहले बलि वली देता था मुड़ काटता था बकरी गाय का, उस पर भी विरोध किया, ये काहे दुख में कर रहे हो, ऐसा परमो धर्म ऐसा बनाओ, सत्य बोलो, किसी को मारो काटो मत, मेरे घर में मारो काटो मत, इनके घर में मां से दूरी बनाया जाता है, क्योंकि ये कहेंगे कि अपो दीपो भाव, माता गौतम बुद्ध बोले कि अपो दीपो भाव, इसका मतलब होता है मेरा दीपक हमेशा जलता रहेगा और शिक्षा सबको देता रहेगा, अपो दीप भाव सदा सुखी रहो, बोलते हैं ना बुद्ध शरण गच्छामि, मतलब जो बुद्ध के शरण में आया है चल कर आया है उसकी भी कल्याण हो, दामा शरण गच्छामि जो धर्म को मानता है उसके भी कल्याण हो, संघ शरण गच्छामि जो व्यक्ति संघ समिति में जुड़ कर आया है उसका भी कल्याण हो, सोचो ऐसा बताए थे गौतम बुद्ध, तभी आप उनको हमेशा याद करते गौतम बुद्ध को, ठीक। और यही अपने 5 शिष्य को सारनाथ उपदेश दिए थे, पहले 2 दिए थे लदार और एक उसका नाम था उदक, तो सोचे कहीं 2 देंगे तो भाई जना नहीं पाएगा, हम 5 को देते चलते काशी, तो काशी में आए हमारे बनारस वाराणसी में सारनाथ में इसी पत्थर मार्ग में आए, तो अपने 5 शिष्यों को उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शिक्षा दिए बेटा, आप लोग देखे हैं, ठीक, वो दिए ना, तो वहां पे हर भाषा लिखा गया, लिपि भाषा नहीं बौद्धी भाषा, कोई जाता है तो उसके ऊपर सोराटा भी का लिखा गया, उसे देखता है का लिखा है, सर नहीं पाता बस बोलता रहता है, लेकिन बौद्ध जो होते हैं वो तो समझ जाते का लिखा मेरे गुरु का है, उन्हें फटाफट पढ़ने के मुंह बस ताकते हुए क्या बोल रहे हैं, मेरे बोलने हुआ बस उनको हम देखते रह जाते हैं, तो ऐसे हुआ बताए मार्ग तभी व्यक्ति को चलता गया। ये 10 अपने सील बताए थे, ठीक, पहले से बोलो बता रहे आपको 8 मार्ग देख लो, पहले ये समझा गया ना,
देखो बेटा, इनके आठ मार्ग थे जो गौतम बुद्ध जीवन में, आठ मार्ग जो व्यक्ति अपना लिया वो सही रास्ते पर चल सकता है, और सही रास्ते पर जाने के बाद वह हर बात को समझकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए हर बौद्धि जब भी आते सारनाथ में तो आठवां मार्ग को देखते हैं। रुद्रदेव मंदिर जब अंदर घुसे तो आठ मार्ग लिखा गया था, जो तो सब देखे बोले जो मूर्ति बनी थी पीतल वाली नई वाली, तो उसके बोले सब लिखा गया था, उसका अर्थ भी लिखा गया था सामने, ठीक सामने उसका अर्थ भी लिखा गया था, ठीक जो घुसे तो बगल में तो वहां पे लिखा गया था पूरा। तो इन्होंने क्या का बात बताया है उस पर हम आप चर्चा करते। देखो देखिए, यह कहते थे गौतम कि सम्यक वाक, सही समय पर उठो, सही समय पर उठो, अपने ध्यान को त्यागो बेटा। अगर सही टाइम पर उठे तो आपका कार्य सफल होता है ना, अगर आप 10 मिनट लेट जाते हैं आपका काम असफल होता है, पछताते हैं ना, क्या मेरा काम बिगड़ गया, आप कहते हैं ना, पछताते हैं। उसके बाद सम्यक कर्म, अब सही कर्म करो, इच्छा मत करो मेरे गलत कार्य कर दिया, अपना कर्म करो, निभाते जाओ आपको वो मिलता जाएगा। सम्यक वर्ग मतलब सही समय पर उठो, आप सही समय पर अपना सही कर्म करो, क्रियाक्रम, ठीक है। सम्यक संकल्प, जो शपथ लेते हो उसे सही से निभाओ, ये नहीं कि भाई किनका बात से जाकर वहां भिड़ा दिए, ठीक संकल्प ले रहे हो देश के लिए अपने ना, रक्षा के लिए ले रहे हो ना, कि यहां सुने जाकर वहां लड़ा के चले आए तो क्या कहेगा व्यक्ति, अरे बड़ा संकल्प लिए देश के लिए महान बने आई का कर दिया, तो व्यक्ति कहेगा ना कि भाई धर्म अपनाए है ना, संकल्प कहा बदल लिए आप, हाथ पर कहा गंगा चलेगा कर लेते हैं, तीन बार पर करते हैं ना, तो कहा करते हैं, संकल्प ले रहे हैं आपने कि मेरा काम सफल हो जाए प्रभु, हमसे भूल चुक माफ कीजिए, ये कहते हैं आप। उसके बाद सम्यक चरित्र, आपका चरित्र साफ होना चाहिए, मतलब आपका चेहरा नहीं संस्कार नेचर आपका साफ हो, नहीं कि भाई कि हम यहाँ का इनकी बात सुने धर्म की जाकर उनका कह दिए उनसे कह रहे फलाने व्यक्ति धर्म ले लिए का सही है, तो कहीं अरे हमसे पूछेंगे, कहता है व्यक्ति समझाता है ना, तो उनके धर्म में एक बात था आपका चरित्र साफ होना चाहिए, साफ सुथरा, कितनों आप भाई चौथा पर अगर गंदा है कि तो आप साबुन से नहाते रहिए तो आप गंदा है। कहा गया कि जैसे कि आपके आचार्य सुरु जी ने कहा था कि काजल की कोठरी, काजल की कोठरी है लगो सयाना जाए, एक बार अगर काजल की कोठरी मतलब तुम चले गए कमरे में, अगर एक बार आपको टीका लग गया कलंक का तो दोबारा मिट पाता है बेटा, नहीं मिट पाता है ना, और एक बार करखा छोड़ बच्चे करखा तो समझ पर लगते हैं ना, बच्चे भाई बड़ा अच्छा लग रहा है लगा दिए, अगर एक बार में पप्पा को लग गया अगर वो दोबारा को छूटने वाला नहीं है, कलम का टीका इसे कहते हैं, और एक बार आपको लग गया सर पे या कहीं भी तो मिटने वाला हुआ नहीं है। व्यक्ति याद करते चित्र मेरा चित्र कैसे हो गया, व्यक्ति से बड़ा दूर बना रहा है कहेगा ना। उसके बाद सम्यक धर्म, सॉरी सम्यक वचन, आप ऐसा वचन बोलते हैं कि भाई हमें कटु वचन बोले न उसको घाव लगे, ऐसा वचन बोले भाई झगड़ा हो गया गोली चोरी चल दी, ऐसा भी धर्म बोलना चाहिए वचन साफ धर्म से। कहते कविदास जी कहा था कि कटु वचन है तीर, कटु वचन तीर के समान तलवार उतार देता है, ठीक तो ऐसा वचन बोले ताकि व्यक्ति को दिल खुश रहे हमारा भी खुश रहे, ये नहीं भाई कि हम रेते बोले भिड़ गए बीच में, तो हमें वचन साफ बोलना चाहिए। उसके बाद सम्यक धर्म, हमें सही धर्म को लेकर चलना चाहिए, ठीक हिंदू जो सहायता दे तो बेटा धर्म को निभा कर चलना चाहिए, ठीक कैसे समझौता में करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में देखा जाए सिद्धभैरव सभ्यता में भी हिंदू धर्म सहायता न प्राचीन धर्म अभी मेरा प्रचलित है,
विद्वान है ना। उसके बाद सम्यक समाधि, जब व्यक्ति पहले जाने मरता था तो उसके साथ सारा उसका क्रियाक्रम, खाने पीने और हर सामान पोथी पता उसका रखकर ढाक दिया जाता था, रख दिया जाता था ना, कि भाई कभी व्यक्ति उठे कभी उसको कभी याद आएगी तो हो सकता है सपने वाकर पढ़ ले। तो प्राचीन काल जब व्यक्ति मरता था तो उसे लेपन लगा जाता बेटा, मुंह पर लेपन, वैसा था कि अभी ताजा लाश गाड़ी गई है, ऐसे आप कभी खोदोगे तो भी ताजा लाश गाड़ी क्या व्यक्ति का कितना साल पुराना हो। जैसे मिस्र का पिरामिड है ना, सोचो कितना पुराना है लेकिन आज भी चमकता है, क्यों? वैसा लेप लगाया है मिस्र में जो पढ़ता है बेटा, सोचो। तो उसके बाद सम्यक व्यवहार, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, साफ। ये नहीं कि भाई हम यहाँ पर बात कहें फिर जाकर उसके बारे में कहा बताया समझा धन निकल गए, कि भाई आपका व्यवहार सही नहीं है समाज में। अगर समय व्यवहार सही रहता आप तो दोस्तों बोलते थे, हमको समझते आप कहकर आगे बढ़ते रुकते नहीं। अब ये बात थोड़ी के बाद हम कहें धीरे से निकल दें तो आपका व्यवहार व्यवहार नहीं करता, व्यवहार व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है, संस्कृति होता है व्यवहार बेटा। अभी आप पढ़ोगे भारतीय संस्कृति पाठ आपके उनका है डॉक्टर एन प्रसाद जी का जन्म 1384 हुआ था मुजफ्फर जिले के, ठीक है, उनका पढ़ोगे तो वह सोचो कि संस्कृति पर लिखे हैं। पहले व्यक्ति हिंदू धर्म में धोती कुर्ता पहनता था, मुसलमान धर्म भाई लुंगी पहनता था, ईसाई में टोपी लगाता था अपना यीशु जी वाला, सिख तलवार लेकर चलते थे हमेशा, करते थे भाई करते थे, तो वही बात बताए हैं, ठीक। कभी पुराण कभी देखो आप तो उसमें आपको पूरा लिटरेचर समझ में आ जाएगा। तो संस्कृति लिखे हैं उसमें हर बात दर्शाई है, व्यक्ति ईर्ष्या करता है तुमको कभी आगे बढ़ गए, और कहता है अरे फलाने व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया, कहते किसे आगे बढ़ गया, पूरे साथों पढ़ता था किसे आगे बढ़ गया, तो लगते भाई पप्पा आपको कुछ कोई बात वो फंसाना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है पता कीजिए। ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं आपसे, जैसे कि उसमें डॉक्टर साहब थे वो रोज समाचार व्यक्ति लिखता था पत्र, तो कहते अरे बड़ा पत्रकार हुए, कहा बोला हाँ पत्रकार है, बोली बोला मेरा भी दो चार पन्ना लिख दो काटी का लिख देंगे, लेकिन उससे बार बार जलते थे, जलने वाले व्यक्ति जलकर दब खत्म हो गया, जो संतोष के व्यक्ति आगे बढ़ गया। तो ईर्ष्या जैसे भूख व्यक्ति को छुड़ा खाती है ना, उसे कोल सबको खा लेती है, एकदम खत्म कर देगी, सत्यानाश उतार देगी एकदम रोडे पर, ऐसा होता है, ठीक। और उसके बाद हम लोग आते हैं आपके इनके तीन रत्न का थे वो पढ़ते हम लोग, ठीक। देखिए ये समझ आए ना आपको, देखो भाई सुत पीटक इसमें क्या होता था कि व्यक्ति धर्म को लेकर व्यक्ति हमेशा बातचीत करता था सुत पीटक में, शांत होकर एकदम एकांत में, और कोई आप ध्यान लगाता है व्यक्ति तो इस देखिए
इस पीटर में व्यक्ति शांत ध्यान लगाता था पहले वाले में सुत पीटर में, और कोई भी कहीं पूजा पाठ करने जाता है तो शांत होकर पूजा पाठ करता है ना, ये नहीं कि भाई कि पूजा पाठ करे ध्यान मेरा चप्पल पर, तो भाई कहा गया भाई आपका ध्यान तो भटक गया ना, यहाँ धूपबत्ती दिखाए ध्यान उधर ता गए ऐसे कर रहे हैं, तो कहा गया देखिए भाई आप ध्यान किधर लगा रहे हैं, पूजा करने आए ना, सुत पीटर में आए हैं, आप इधर करा रहे हैं उधर इधर होती दिखा उधर डरते देखे चप्पल मेरा कहीं ले जाए उधर की देखे इधर अब पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनका मन कहाँ जाएगा, उनका मन एकाग्र होगा नहीं होगा, वो 13 बार उसी में सोचेंगे कहाँ गया, अरे बड़ा लंबा किया था कहाँ गया, खोजते जाएंगे वह परेशान हो जाएंगे। उसके बाद बिना पीटक इस पीटक में व्यक्ति एकाग्र मन को दर्शाता है, आराम से बैठ से कि मुसलमान नमाज पढ़ते बेटा तब शांत होकर पढ़ते हैं देखो ना, तो इस धर्म में पीटक में एकाग्र मन को दर्शाया जाता है कि भाई किसी से बोलना हमें नहीं, बस अपने धर्म को आराम से बताना है, कर करने आगे बढ़ना है। उसके बाद अधिधर्म पीटक इस पीटक में धर्म पर चर्चा होती है कि भाई आप हिंदू धर्म है सनातन धर्म है गौतम धर्म का धर्म अपने कब्जे अपनाया है इनके धर्म के बारे में जानकारी बताइए, तो व्यक्ति कहता है इनका धर्म आज से 2500 वर्ष पूर्व पहले हमें पता चलता है, ठीक पता चलता है ठीक है, और इनका जन्म 563 से 500 ईसा पूर्व में हुआ था ठीक है, और ठीक कहते हैं कि अच्छा इनके धर्म में कितने लोग आए थे, बोले कि घर में हर्य वंश के शासनकाल में काला शोक के शासनकाल में ठीक है बिंबिसार के शासनकाल में कुजुल कर्फ्यूशियस के शासनकाल में जितने भी थे कर्फ्यूशियस जितने भी थे सभी यहाँ तक कि आपके हर्षवर्धन जो आया था हिवेंसांग सभी थे, हिवेंसांग जो आया था वह भी यहाँ से बेटा बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया बनारस से काशी नगरी से लिया सारनाथ से, और यहाँ सोचो बौद्ध धर्म की पीठिका ले गया किताब पढ़ने के लिए, यहाँ से मिर्च मसाला ले गया हर चीज ले गया, तब आज बौद्ध धर्म चीन में जापान में कोरिया में नेपाल में श्रीलंका में भारत में हर कोने में छा गया, और छाने वाला कौन था अशोक जो अपने भाई 99 भाइयों को काट डाला था बेटा 99 भाई को काट डाला था, तो एक दिन कहा हुआ कि अपने भाई को बोला कि मैं क्या किया, तो बोला कि अरे क्या कर रहे हो, तो सुन उनकी बात को क्योंकि सभा चल रही थी गौतम बुद्ध की शिक्षा अपने गुरुओं को शिष्यों को दे रहे थे, तो बोले कि अहिंसा परमो धर्म किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, संसार में जो व्यक्ति आए थे उसको जाना ही है, क्या व्यक्ति मृत्यु लेकर अपने साथ जाता है जिसमें माटी रह जाती है ना कपड़े कपड़े में हट जाता है एक बस कपड़ा रखा रहता जाता है वो भी जब खत्म हो जाता है, तो कहे कि कभी भी व्यक्ति कुछ लेकर जाता नहीं है बस उसका कर्म क्रिया यहाँ पर याद कर जाता है कि ये फलाने व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी थे, कहते हैं ना कि जो सफल होकर जाते थोड़े हैं, तो उस धर्म में धर्म पर हमेशा वह चर्चा होती रहती थी किस तरह कि भाई कौन धर्म अपनाए आप कैसा इनका धर्म है इनके धर्म में क्या विशेषता है बताकर चलते थे, ठीक कर हमेशा वह बढ़ाकर हमेशा आगे बढ़ते गए। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, इनके 10 सील का थे 10 विचार का थे, कहते भाई कोई नियम कानून बनता है ना तो संविधान बना बाबा साहब ने बनाया तो नियम कानून बनाया ना, भाई आपका अधिकार भी है समानता अधिकार है सोशल अधिकार है शिक्षा अधिकार है स्वतंत्रता अधिकार है सदन उच्चारों का अधिकार है सब बता दिया आपको, तो उसी अधिकार को कानून नियम बना तो भी बनाए थे 10 सील, ठीक उस सील को हम लोग बाद में पढ़ने देते हैं कि समिति बैठक कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक देखो गौतम बुद्ध की संगीतियां समिति बेटा कहां कहां हुआ था ना किसके शासनकाल में हुआ था पूछता पेपर में अक्सर ठीक है आता है, देखो गौतम बुद्ध की प्रथम बैठक
देखिए गौतम प्रथम बैठक हरे वंश के शासक अजातशत्रु शासन काल के समय में हुआ था, ठीक। और इस शासन काल में कहा गया कि भाई आप इस धर्म में अगर आए हैं तो संगीतियां सुन लीजिए, का का करना पड़ेगा आपको। अगर ये धर्म अपनाए आप तो आप सदा पहले आप चोरी नहीं करेंगे बेटा, चोरी आप नहीं करेंगे। परिग्रह मतलब संपत्ति बंटवारा नहीं करेंगे कि हमारा बस ना हमको दे दो, हमको ला हमें दे दो, ये काम नहीं करेंगे। और इस धर्म को जो अपनाएगा, उनका जो बैठक हुआ तो इसके शासन काल में तो कहा कि भाई एक आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई कि पहले चोरी शुरू कर दे कि माल मिला पहले रख लेगा। प्रवृत्ति फायदा बोले कि पहले फायदा करें फिर बाद नुकसान बाद देखा जाएगा, पहले फायदा करते हैं, ठीक। उसके बाद ये प्रथम बैठक थी भाई उनकी, ठीक। दूसरा बैठक हुआ था कम का, शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक बेटा के शासन काल में हुआ था। ये हुआ था आपके कुसुमपुर बिहार में, बिहार में हुआ था, ठीक। गौतम बुद्ध सब बैठक शिशुनाग वंश कालाशोक, ये देखो पिता बेटा ये लड़का है ना, तो गौतम बुद्ध सब बैठक शिशुनाग वंश कालाशोक के शासन काल में कुसुमपुर बिहार में हुआ था। इसमें कहा गया कि भाई आप अपरिग्रह संपत्ति बंटवारा नहीं कर सकते, दूसरी बात आप झूठा नहीं बोल सकते, अगर झूठा बोले तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा एकदम खत्म, आप कभी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। यह कहा अगर आप कुछ करना है तो उस धर्म को अपनाओ तभी आप आगे बढ़ने वाले आप नहीं हैं, ठीक। और आपसे कोई पूछे इनकी प्रथम बैठक कहां हुई थी तो भाई हरे वंश के शासन का अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक। दूसरा बैठक गौतम बुद्ध का शिशुनाग वंश कालाशोक के शासन काल में हुआ था, वो भी कुसुमपुर बिहार में हुआ था, ठीक। आज वहां पे इनकी मूर्तियां बनी हुई है कुसुमपुर बिहार में अररिया के आगे, ठीक, अररिया जिला के आगे आज वहां पे स्थापित है। इनकी हर बातें सुनकर वह चलता रहता है, उसके बाद वह कब हमेशा आगे वह बढ़ता भी रहता है, ठीक। इसलिए सब उनको हमेशा बड़े दूर दूर से ज्ञानी महाज्ञानी गौतम बुद्ध वाले हमेशा आते हमारे वाराणसी में काशी नगरी सारनाथ में शिक्षा लेने के, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कल आपके इनके दो और समितियां पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, सील विचार का थे, ठीक। उसके बाद इनकी व्यवस्था पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि यह धर्म बहुत दिन तक चला, जैन धर्म छोटा धर्म, लेकिन इस धर्म को आज हर व्यक्ति जानता है, अक्सर आपको समाज में यह धर्म वाले ज्यादा मिलेंगे आपको। जैन धर्म आपको 100% आपको हद आपको 50 या 55% मिलेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म को आपको 99% मिलेगी हर जगह, ठीक। तो कल आपको आपके इनके दो आपके बैठक जो थी उसके बारे में इनकी विशेषता के बारे में हम कल पाठ चर्चा करेंगे, ठीक। यह शासन काल इसका समय सीमा नहीं था निश्चित, ठीक है, न उसमें कोई लेखक था लिखने वाला, ठीक है, बस अपने समय के अनुसार या गौतम बुद्ध बैठे तो आप उनके साथ सब लोग बैठ गए। जब ये मर गए गौतम बुद्ध, जब मर गए आपके, तब सभी बोले कि हमें कुछ अपने धर्म को आगे बढ़ा के समिति बनाना चाहिए बैठक। अगर कोई व्यक्ति मेन अध्यक्ष उसका रहता है, अगर मर जाता है कहते भाई कि यह कार्य हमें आगे बढ़ाना है ना, तो एक समिति बनाई जाए, दूसरी गठित की जाए, उससे मजबूत बना जाए, आगे बढ़ा जाए हम, तो गठित किए। उसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ गया, उससे बैठक में और व्यक्ति जुड़ गए, ऐसे कहते हुए पांच बैठक हुआ, पांचों में जनता बढ़ गई और वही लगे प्रचार प्रसार करने और करके वह महान कहलाए, ठीक।